राजधानी का सदर अस्पताल गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बता दें कि सदर अस्पताल के पुराने बिल्डिंग में बने डायलिसिस सेंटर की स्थापना 24 अगस्त 2020 को हुई थी। पीपीपी मॉडल पर संचालित इस सेंटर के संचालन का जिम्मा एसकैग संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। डायलिसिस सेंटर की शुरुआत होने के बाद से अभी तक 2500 लोगों ने अपना डायलिसिस करवाया है। वहीं 450 लोगों का डायलिसिस प्रति माह किया जाता है। सदर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में कार्यरत टेक्नीशियन सबा अंसारी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। 1700 केस हम लोग किए हैं इस 3 महीने के दौरान, और इसमें हम लोग बहुत सतर्क से काम किए हैं। पेशेंट का भी ख्याल रखना था, अपना भी ख्याल रखना था, इस हिसाब से काम किए हैं। हम लोग डरे नहीं, ना पेशेंट को डरने दिए। अब तक कितना डर, कितना समय लगता है इसको? हर दिन हमारा 18-19 का टारगेट रहता है, और उतना पेशेंट आते ही है। कितना बेड है क्या यहाँ पर? हमारे यहाँ 6 बेड है, ठीक है। यहाँ पे 4 टेक्नीशियन है, हमारे यहाँ सप्लाई मैनेजर भी है, कोऑर्डिनेटर भी है, सबको रहते हैं, सबको हौसला देते हैं, और हम लोग को यहाँ पे डायलिसिस के लिए हर तरह का सुविधा देते हैं। वहीं डायलिसिस सेंटर के इंचार्ज समीम आलम का क्या कहना है, आप भी देखिए। पीपीए का इस पहन के हम लोग काम किए थे, और जितना भी ऐसे पेशेंट आए हैं और उसका पीपीए के जरिए से काम हुआ है। और सबसे पहले तो उसका पहले पल्स देख लेते हैं, सेचुरेशन कितना हुआ, इसके बाद फिर इसका देखने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद उसको देखिए नॉर्मल होता है कंडीशन, तो स्टार्ट करते हैं। और इसका अगर ज़्यादा सेचुरेशन हाई हो जाता है पहले इसमें, तो देखिए हम लोग एक टीम होता है, टीम हम लोग मिल के काम करते हैं। टीम जैसे कि सब टीम को बोलते हैं कि देखिए इस तरह का मैनेजमेंट करके काम करना है, और बच के काम करना है, कि सबको तो हमको लेके चलना है, क्योंकि अपना भी बचाव करना है और हम लोग को पेशेंट को भी देख रेख करना है, और पेशेंट को भी हम लोग का ख्याल रखना है। तो इस हिसाब से हम लोग का काम करना है कि हम पूरा सेफ्टी के हिसाब से काम करना है, पूरा सेफ्टी के साथ काम करना है, और इस हिसाब से सेफ्टी के काम करने के बाद जिससे पेशेंट को भी कुछ ना हो। बता दें कि सदर अस्पताल की इस डायलिसिस सेंटर में कुल 10 लोगों की टीम है, जिनमें 4 टेक्नीशियन, कोऑर्डिनेटर, नर्स और अन्य लोग शामिल हैं। वहीं बीपीएल सूची में आने वाले लोगों के साथ आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड धारक और जिनका आय 72,000 से कम है, उनका डायलिसिस इस केंद्र पर निशुल्क किया जाता है, जबकि अन्य लोग 1206 रुपए चुकाकर सदर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर पर डायलिसिस करवा सकते हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।